जो कि औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको देखना मतलब हमने बचपन से उनको देखा है, बहुत कुछ सीखा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए मतलब लिटरली उस कैरेक्टर के बारे में सुन के। चंपत राय का कैरेक्टर इतना, आप देखेंगी सीरीज में मस्तानी के हाँ बारे में तो सबको पता चल गया, 76 साल की बेटी मस्तानी थी, तो मैं मस्तानी के दादाजी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली चस्का एंड इट्स प्लेजर हैविंग यू। सो संगम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो छत्र साहब, जिसका ट्रेलर आउट हो चुका है और जिसको बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला है। सो हाउ वुड यू लाइक टू से अबाउट इट, किस तरह से आपका किरदार होने वाला है, क्या कितना रिस्पॉन्स मिला आपको अपने कैरेक्टर के लिए? थैंक यू रिधु, थैंक यू सो मच, आपको बहुत धन्यवाद और टेली चस्का को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये छत्रसाल एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि मुगल काल की कहानी है, और छत्रसाल एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए त्याग किया, लड़ाई लड़ी अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए। और मैं छत्रसाल सीरीज में छत्रसाल के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिनका नाम था वीर बुंदेला चंपत राय। हाँ तो चंपत राय जी मतलब बहुत ही वीर थे, और स्टार्ट उनसे स्टोरी होती है वो, और वो भी मतलब उनकी ही पूरी जिंदगी की छाप छत्रसाल के पूरे जीवन पे आगे रहेगी। तो शुरू में कहानी चंपत राय से शुरू होती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर रुद्र सोनी जो हमारा बच्चा कैरेक्टर प्ले कर रहा है छत्रसाल हाँ का, रुद्र सोनी का कैरेक्टर शुरू होता है, देन वो कैरेक्टर बड़ा होके फिर छत्रसाल बनता है, और वो यंग छत्रसाल, और वो चंपा ये अपने जितिन गुलाटी वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ आशुतोष राणा जी भी हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको देखना मतलब हमने बचपन से उनको देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और फिर सब लोग देखेंगे, सबको बड़ा मजा आने वाला है। ओके, तो जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या था कि कितना चैलेंजिंग होने वाला है या आपको कितना मजा आने वाला है? सबसे पहले तो जब मुझसे इस कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन के लिए कॉल आई थी, तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड करके ऑडिशन सेंड कर दिया था, तब मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुआ उस कैरेक्टर के लिए, और मुझे बुलाया गया प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में। जब मैं मिला और उस कैरेक्टर के बारे में मुझे ज्यादा ब्रीफ दिया गया, तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए मतलब लिटरली उस कैरेक्टर के बारे में सुन के। चंपत राय का कैरेक्टर इतना, आप देखेंगी सीरीज में मतलब अभी मैं क्या बताऊं, बट ऐसे ऐसे सीन्स हैं चंपत राय के कि कई बार रोना आएगा और कई बार वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उन लोगों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। हम आज जिस खुली हवा में आजाद तरीके से सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, हमारे पूर्वजों का, ये किस तरीके से हमारे लिए फाइट किए हैं, कितना संघर्ष किए हैं, महीनों भूखे रहे हैं, अपने पत्नी को बच्चे को लेके जंगलों में भटके हैं। बड़ा ही मतलब मैं तो सुन के हैरान था कि मतलब अब थैंक्स कि उन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया, फेथ किया, और मैंने किया है। अब देखते हैं कैसा लगता है, लोगों का रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, बट अब देखते हैं और कैसा लगता है। ओके, इससे पहले भी आपने काफी माइथो शोज और हिस्टोरिक शोज किए हैं, तो ये कितना अलग था और आपने इस शो के लिए हाँ क्यों कहा? ये मैंने इसके पहले माइथोलॉजी शोज किए हैं, तो जैसे मैंने सागर आर्ट्स का पहला शो किया था दुर्गा हाँ कलर्स पे आता था वो, उसमें मैं चंद्रदेव प्ले करता था। फिर मैंने अभी कॉन्टिलो का एक शो आता था अपना संकट मोचन हनुमान, वो किया, फिर विघ्नहर्ता गणेश किया। पर इनसे ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, ये हिस्ट्री है, और ये ऐसी हिस्ट्री है, वो भगवान लोगों की कहानी थी, और ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, अपने स्कूल में कुछ सुना है, कुछ जाना है, बट इसको करने के दौरान मतलब मैंने और जाना कि मतलब वो
हम तो पढ़े केवल इसलिए कि चलो एग्जाम में आंसर दे देंगे और नंबर्स आ जाएंगे, बट इसको जब मैंने पढ़ा उस कैरेक्टर को जीने के लिए, तो लिटरली मतलब करना ही था, मतलब इस तरीके की चीज, तो मतलब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे कैरेक्टर सामने से ऑफर हुए और मुझे करने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था ये करने के लिए जी। इसके अलावा यू नो आप, हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपका एक शो आने वाला है स्टार प्लस पे विरोध, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उस शो का नाम विद्रोही है और हाँ, अभी मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज में चीजें हैं, तो मतलब ऐसे मैं कुछ बहुत ज्यादा उसके बारे में भी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वो बहुत ही रोमांचकारी और रोचक वो भी है, वो भी बहुत बड़ी कहानी है और बहुत जल्दी ही उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। फिर उसके बारे में मतलब मैं भी एक बार अपने एग्रीमेंट्स के थ्रू ये बोलने के लिए आजाद हो पाऊंगा कि मैं उसके बारे में आपसे बातें कर पाऊं। ओके। इसके अलावा यू नो अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 36 साल यू नो इतना आपने बताया कि किस तरह का आपके लिए रहा पूरी जर्नी, सो फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि 36 साल को आप लोग देखें, और इसलिए ना देखें कि ये एक मनोरंजक कहानी है, इसलिए ना देखें, इसलिए देखें कि ये हमारे पूर्वजों की संघर्ष की, त्याग की ऐसी कहानी है जिनको हमारे इतिहास ने कहीं ना कहीं वो जगह नहीं दी है जिनको जो जगह मिलनी चाहिए थी, जो वो डिजर्व कर रहे थे। तो इनकी ही बेटी वो थी अपनी मस्तानी, मस्तानी के बारे में तो सबको पता चल गया, 36 साल की बेटी मस्तानी थी, तो मैं मस्तानी के दादाजी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें। तो ये कहानी इसलिए देखनी चाहिए कि हमें और बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि हमें और हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस त्याग और संघर्ष के बारे में पता चल सके कि ये जो आजादी है, ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो जमीन हमारे पास है, जो देश हमारे पास है, इसके लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितने लोगों ने खून बहाया अपना और कितना त्याग किया है इसके लिए। ओके, लास्टली अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता सकें तो। वही आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा बस वही बताया कि वो बस अब बहुत इनिशियल स्टेज में है, काम चल रहा है उस पे और बहुत जल्दी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जी, बहुत अच्छे से करेंगे। आएगा तब आपसे फिर से मुलाकात होगी। जी जी रिद्धि जी। ओके, तो फिलहाल तो यू नो 36 साल के लिए ऑल द बेस्ट एंड आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी खूब सारी बधाई। थैंक यू सो मच रिद्धि, आपको और टेली चस्का की पूरी टीम को, हमारे 36 साल की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद।